ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा हमेशा की तरह, जैसे कि गाइस आप सभी को पता है। तो सभी का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप लोग जो है पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेना, एंड जो भी स्टेप मैं बता रहा हूं आपको उनको पहले ढंग से फॉलो कर लेना। उसके बाद जाके आप जो भी बैकग्राउंड पेज डाउनलोड करना है या फिर आपको फोटो एडिट करनी है उसके बाद ही करना, ठीक है? तो ताकि जो है अगर आप अच्छे से समझ जाओगे अगर सब कुछ, तो यार आपको जो वीडियो फोटो एडिट करने में जो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी कैसे, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, आप सभी समय एक चीज और कहना चाहता हूँ कि गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे वहाँ पे इजीली आके पूछ सकते हो। तो बाकी चलिए गाइस, आज इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो अपनी फोटो को जो यहाँ पे स्नैपशीट में एक बार ओपन करना है, क्योंकि जिसमें जो फेस स्मूथ वगैरह करेंगे तो हम उसके लिए गाइस यहाँ पे तो स्नैपशीट का यूज़ कर रहे हैं। एंड बाकी हम इस पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद हम हीलिंग पे जाएंगे। हीलिंग पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप जो भी मतलब कि पिंपल वगैरह जो भी होगा फेस पे, आपको उसको सिंपली यहाँ पे टैप कर देना है, एंड एक बार जैसे आप टैप करोगे रिमूव हो जाएगा। एंड बाकी मैंने जो स्किन स्मूथ के ऊपर जो पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तीन वीडियो बना रखी है, उसका लिंक जो है तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इस वीडियो को जाकर वॉच कर लेना, आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा कि आपको स्क्रीन रिटच को कैसे कर सकते हो, मतलब इजी स्टेप में, ठीक है? तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने अलग अलग तरीके से तीनों बता रखा था, आप लोग जरूर देखना उस वीडियो को। बाकी यहाँ पे हम फेस स्मूथ कर रहे हैं, अगर आपको आता है फेस स्मूथ करना तो आप ये वाला पार्ट जो स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे जो इसको स्मूथ करते हैं फटाफट, एंड उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं हमारा जो फेस है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से अभी स्मूथ हो चुका है। तो अभी एक बार और हम इस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में जाके इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नॉन पे रखते हैं, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे स्किन स्मूथ पे, एंड इसके बाद जो इसका थोड़ा सा जो स्किन स्मूथ है हल्का सा और बढ़ा लेंगे, एंड कर देंगे डन। फिर इतना हो जाने के बाद जो हम इसके यहाँ पे सेव कर लेंगे, एंड इसको सेव करके जो हम यहाँ से लेके चलेंगे पिक्सआर्ट ऐप में, ठीक है? अब जो असली काम है हमारा पिक्सआर्ट में, तो पिक्सआर्ट में जब आप फोटो इंपोर्ट करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल में, ठीक है गाइस? तो आपको ड्रॉ टूल में जाना है, एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको फिर यहाँ पे लेयर पे एक बार टैप करना है, ठीक है? जो साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेयर पे टैप करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे फोटो लेयर पे जाके आपको अपनी जो ये बैकग्राउंड है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसका, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, आपको सिंपली इसको ऐड करना है, ये ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो सबसे लास्ट वाला जो आपका फोटो है, ठीक है, लास्ट वाला लेयर, आपको उसको टैप करना है एक बारी, एंड उसके बाद आपको जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको जो इस टाइप से आपको यहाँ पे इसको जो मर्ज करना है, ठीक है? यहाँ पे मतलब कि आपको जो है फेस से आपको उसको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर जो डन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर डन करना है, एंड डन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इतना हो जाने के बाद आपको जो है यहाँ से बीच वाली जो लेयर है आपको उस पर सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कलर पे जाना है, ब्रश आपको ये रखना है, ठीक है? ब्रश को आप और कलर आपको यहाँ पे ब्लैक रखना है, एंड उसके बाद डन कर लेना है, ठीक है? एंड उसके बाद जिसका ब्रश है, ब्रश की जो सेटिंग्स आपको क्या रखनी है, आपको यहाँ पे जो इसकी सेटिंग है वो हार्डनेस जो है इसका बिल्कुल जीरो कर लेना है, ठीक है? हार्डनेस बिल्कुल जीरो कर लेना है, एंड जो साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को फोटो को जूम करना है, एंड फोटो को जूम करने के बाद जो आपको साइड साइड में शेडो क्रिएट करना है, ठीक है? तो मैं इसको फटाफट करता हूँ। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पे शेडो वगैरह जो भी है बन चुका है, पीएनजी भी हमने लगा लिया है। तो अब इसमें जो है हमारी बारी है आई पीएनजी लगानी है, ठीक है? आई वो जो पीएनजी गाइस, हम यहाँ से ब्यूटी रिटच वाले ऑप्शन से जाएंगे, एंड रिटच वाले ऑप्शन से जाने के बाद हम जो है आई बैच से भी लगा सकते हैं, ठीक है? बाकी इसके लिए आपको नेट ऑन करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो है मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ से नहीं लगाएंगे हम, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे जो मतलब ये थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे साइड में, तो आपको यहाँ पे आई कलर मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस पे जाना, आपको बहुत सारे कलर के इसमें आई मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप कोई से भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये ब्राउन वाला, तो यहाँ पे हम इसको जैसे रखेंगे, एंड बाकी जो दूसरे वाला जैसे कि हमारे आँख पे बंद है ना उसमें, तो उसको हम रिमूव कर लेंगे, एंड जो दूसरे वाला उसका जो हम यहाँ पे जो है ये साइज़ वगैरह जो भी आप रख लेना अपने हिसाब से, तो वैसे भी ऑटोमेटिकली सेट होकर आता है, ठीक है? तो आप अगर कोई एडजस्टमेंट इधर उधर हो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उसको इरेजर टूल में जाकर आपको सिंपली यहाँ से इरेज कर लेना है, ठीक है? इस तरीके से, एंड उसके बाद जैसे आप ये सब कर लोगे आपको जो ओपेसिटी वगैरह अगर कम लगे तो आप ऐसा बढ़ा भी सकते हो, एंड बाकी अगर ठीक लग रही है तो आपको उसको डन कर लेना इजीली, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा डन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस इसके बाद हम यहाँ पे फोटो को सेव कर लेंगे, एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में। सो लाइट रूम ऐप में हमने फोटो को पहले से यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में सबसे पहले, एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको पहले कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करना है, एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज़ कर लेना है थोड़ा सा,
एंड उसके बाद आपसे फिर करना है यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लैक है इसको यहाँ पे कम कर देना है एंड जो व्हाइट है इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड उसके बाद आपसे भी को फिर करना है आपको जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है एंड जो टेम्परेचर है थोड़ा सा माइनस कर देना है। फिर आपको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर पहले सेलेक्ट करना है आपको, उसका सैचुरेशन माइनस करना है ठीक है एंड ल्यूमिनस जो है बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है यहाँ पे आपको जाना है यहाँ से ब्लू कलर में एंड इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। रेड कलर में जाना है आपको जो इसका जैसे कि फेस पर काफ़ी ज़्यादा रेड कलर आ रहा था हम उसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड उसके बाद कर देंगे डन। फिर ऐसे क्या करेंगे हम जाएंगे ऐसे नीचे वाले टूल में फोटो के हम पहले क्लियरिटी बढ़ा देंगे और थोड़ा सा विग्नेट डालेंगे इस पर ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा विग्नेट एंड उसके बाद क्या करेंगे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे थोड़ा ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा तो हम इसको बढ़ा लेंगे एंड उसके बाद यहाँ से नीचे वाले टूल में जाएंगे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर लेंगे, नोटिफिकेशन बढ़ा देंगे एंड इसके नीचे में कलर नोटिफिकेशन हम इसको भी बढ़ा देंगे ठीक है। तो इतना हो चुका है तो अब जो है इसको क्या करेंगे हम यहाँ से अब इसको जो है यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट रिटच हो चुका है यहाँ पे ठीक है। तो अब इस फोटो को जो है हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।